फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज गार्डन में जो जो काम करती हूँ वो आपको बताती हूँ। अभी 10-11 बज रहे हैं और अब मैं नीचे नाश्ता वाश्ता कंप्लीट करके छत पे आई हूँ। अब मैं, हो सकता है इस छत पे मेरी छाया ज़्यादा रहती है हाफ डे 12-1 बजे तक। और आज वेदर भी बड़ा प्लेजेंट हो रहा है, बारिश जैसा हो रहा है। और आज मैं फिर सोच रही हूँ कि पौधों को जो है गार्डन में जो जो करती हूँ कुछ आई हूँ करने, तो अभी थोड़ा सा पानी दूंगी पौधों को और फिर क्या क्या करती हूँ कुछ मैं सोचती हूँ। आज आपको मैं थोड़ी सी अपडेट्स भी दिखा दूँ कि मैंने जो जो रिपोर्टिंग वगैरह करी है सैटरडे को, उसका भी दिखा दूँ आपको कि क्या हालत है। वो मैंने बाइपिनेट की करी थी रिपोर्टिंग, आपको दिखाया था। रूट्स को मैं बहुत ज़्यादा कट कर रही थी, तो मैं उसकी भी आपको दिखाती हूँ इस टाइम क्या कंडीशन है। तो ये देखिए, ये शुरुआत इसी से कर लेते हैं। ये मैंने जो बल्ब्स लगाए हैं, शायद ये मैंने परसों लगाए हैं बल्ब्स। ये देखिए, ये सब लग गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 सारे मैंने इसमें लगा दिए हैं। देखिए, ये बल्ब्स भी अच्छे चल रहे हैं और देखिए अच्छी कंडीशन हो रही है इनकी भी बारिश के बाद, कोलियस की भी। ये उस दिन मैंने बड़े पॉट में आपके साथ शिफ्ट किया था सैटरडे को, शायद ये फाइलो फिडल लीफ फिग है। ये वेदर मच्छीरा देखिए, इसको भी मैंने रिपोर्ट किया था। एक ये ड्रेसिना किया था, ड्रेसिना देखिए यहाँ से सही है। ये पत्तियाँ थोड़ी सी ड्रूप हो रही हैं और इसमें ये थोड़ा सा शॉक में जा रहे हैं। ये वाले देखिए, इसके ड्रेसिना के ये शॉक में पत्ते, ये लग गया है देखिए, ये खड़े हैं। नीचे वाले पत्ते थोड़े से ड्रूप कर रहे हैं और वो ठीक हो जाएंगे एक दो दिन में। तो ये, और एक ये मैंने आपको गार्डन बता के बताया था, मिनिएचर गार्डन। ये देखिए, इसमें बस इस मौसम में ये कुछ पत्ते को काट रहा है। इस पर नीम ऑयल स्प्रे करूँगी, कोई इंसेक्ट इसको काट रहा है। रिपोर्टिंग का ये मैंने सोचा आपको दिखाऊं। और भी देखते हैं जो हमने रिपोर्टिंग्स करी हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने फाइलोडेंड्रॉन बाइपिनेट के ये दो गमले उस दिन आप लोगों के सामने रिपोर्ट किए थे। ये देखिए, ये किए थे रिपोर्ट हमने, ये बाइपिनेट के मैंने बताया था। ऊपर से मेरे गमले दो गिर गए हैं और उनको मैंने दोबारा रूट्स वगैरह कट करके एक दो दिन पहले वीडियो डाला था। और देखिए, ये अब दोबारा से इसके पत्ते खड़े हो गए हैं और इसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई है। एक चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि ये जो मैंने आपको दिखाए थे अम्ब्रेला पाम जो है वो, उसको पानी में लगा के दिखाया था मैंने आपको। और उसकी एक जो, ये फिर टूट गया मेरे से, उसकी एक लीफ मैंने ऐसे उल्टी लगा दी थी यहाँ पे। और देखिए, इसमें से कई प्लांट्स निकल के आ रहे हैं। अम्ब्रेला पाम, आप में से जो नहीं जानते उनको मैं दिखा देती हूँ क्या होता है अम्ब्रेला पाम। ये रहा अम्ब्रेला पाम, इसकी बात कर रही थी मैंने, वो जो अभी आपको दिखाई थी। और इसको ज़मीन में, मतलब मिट्टी में कैसे लगाना है, पानी में लगाना तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, मिट्टी में कैसे लगाना है उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी एक दो दिन में। और देखिए, यहाँ एक जगह और लगाया था मैंने, ये वाला मैंने वो जो पानी में रूट्स आ गई थी उनको निकाल के यहाँ लगाया था। देखिए, ये प्लांट भी ग्रो कर रहा है। तो ये दिखा देती हूँ आप, और ये कोलियस की कटिंग्स लेती हूँ मैं विंटर गार्डन में लगाने के लिए। कोलियस कटिंग्स ले रही हूँ ये वाली, अलग यहाँ पे कोलियस अच्छे बड़े हो रहे हैं तो इनमें से कटिंग ले लेती हूँ और ये ऊपर विंटर गार्डन में लगा दूँगी। ग्रीन वाली भी ले लेती हूँ और ये अभी चलती हूँ ऊपर, छोटे 9 इंच वाले कुछ गमले पड़े हैं उनमें लगा दूँगी अभी मैं ये। और गार्डन में कुछ ना कुछ काम आपको दिखता ही रहता है। ये देखिए, ये ग्रीन एक कटिंग मैंने यहाँ लगाई हुई है ग्रीन कोलियस की, और ये ऊपर ड्रेसिना को ऊपर से कट कर दिया था, स्प्राउट्स आ रहे हैं। और चलिए, अब मैं ऊपर आ गई हूँ और इसकी ये कटिंग लगा रही हूँ।
कोलियस के नीचे के सारे पत्ते हटा दूंगी। इस टाइम इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है और अब विंटर गार्डन की शुरुआत का पहला चरण मेरा यही होगा कि अब कोलियस की कटिंग्स लगा के एक देखिए ये अब ये कोलियस ये सब फुल धूप में है। इस टाइम फुल धूप कह दें या हाफ डे सन कह दें, बीच में थोड़ा सा इनमें छाया आती है पास वाली बिल्डिंग की, बाकी ये देखिए पुरानी जो मिट्टी है उसी में लगा रही हूँ इनको मैं। मिट्टी बारिश से थोड़ी सी हार्ड हो गई है लेकिन फिर भी ये मिट्टी मेरी जो मैं बनाती हूँ ये एकदम फ्री फ्लोइंग मिट्टी है, इसमें ऐसे डलियाँ नहीं बंधती हैं मिट्टी में। और ये देखिए एकदम फ्री फ्लोइंग ऐसे लगती है देखिए मिट्टी, और ये देखिए इसमें मैंने ये लगा दिया और अच्छी तरह से दबा देना है, एयर कैविटीज़ नहीं रह जाएं। एक दो पत्ते ऊपर के रहने दें, नीचे के पत्ते हटा दें। तो इस तरह से जो जो गमले दो चार बाकी गमलों में से तो देखिए मैंने ये एक वो कोई पौधा इसमें सूख गया था तो पड़ा हुआ है, और बाकी 9 इंच के गमले मैंने आपको दिखाया था पहले कि मैंने सारे खाली करके एक जगह रख दिए हैं और अब दिवाली के बाद उनको मैं नई उसमें पॉटिंग सॉइल डाल के दोबारा से लगाऊंगी। कुछ जिनमें मिट्टी पड़ी हुई है उनको मैं दोबारा से कोलियस लगा रही हूँ उसमें, ताकि एक लाइन दो लाइन कोलियस की मेरी तैयार हो जाए। तो इस तरह से कोलियस मैंने अभी आपके सामने 2-3 गमलों में लगाया। ऐसे ही गार्डनिंग में रोज़ कुछ ना कुछ, अब ये रेन वाटर इस बर्तन में इकट्ठा हो रहा था तो ये रेन वाटर ही डाल देती हूँ इसमें मैं। रेन वाटर जो है वो पौधों के लिए बेस्ट होता है। इस टाइम अब थोड़ी सी धूप भी आ रही है और किसी टाइम छाया भी आ जाती है, तो अब मैं ऐसे इनमें सब में 4 गमलों में मैंने ये लगा लिए हैं कोलियस, और बाकी देखिए काफ़ी गमले तैयार ही हैं और इन और ऐसे ये तैयार होते जाएंगे तो मेरे विंटर गार्डन की एक रो तैयार हो जाएगी साथ के साथ। ये मौसम जो है ये बहुत अच्छा है, इस मौसम में कलम वगैरह कटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से लगती हैं। तो ये वाले देखिए ये वाला जो है इसके फूल हटा रही हूँ मैं, फ्लावर्स इनके हटा देने चाहिए तो ज़्यादा पत्तियाँ आती हैं और बुशी होते हैं। और इस वाले कोलियस की कुछ पत्तियाँ अजीब सी हो रही हैं, शायद ये धूप से हो रही हैं या किससे। इसमें मैं नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी एक दो बार लगातार 2-4 दिन तक। इसकी पत्तियों के कलर कुछ अलग हो रहा है थोड़ी सी पत्तियों का, तो मैं इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कल करूँगी। और अभी मैं उन पत्तियों को हटा रही हूँ जिनका कलर थोड़ा सा अलग हो गया है, और फ्लावर आने के लिए जो इनफ्लोरिसेंस के ये देखिए इस तरह की ये है इनको भी हटा दूँगी ताकि फूल ज़्यादा नहीं आए पत्ते फैलें। फूल आने के बाद पत्ते आना कम हो जाते हैं कोलियस में, तो अच्छी तरह से इसको मैं खराब वाले पत्तों को रिमूव कर रही हूँ। कल जैसे मैंने कहा इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी मैं। ये देखिए मेरा ट्री गार्डन जो मैंने थूजा के साथ लगाया था, और ये है चंपा का प्लांट जिसका मैंने बोनसाई बना के लगाया था। देखिए इसकी पत्तियों का साइज़ भी रिड्यूस हो गया है शैलों में लगाया, और ये एक मैंने खंगर से एक और ट्री गार्डन बनाया था जिसमें मैंने बोगनविलिया लगाया है। ये अभी मैंने यहाँ रख दिए हैं जब तक कि देखिए ये जो मेरे पॉट पड़े हुए हैं ना ये वाले ट्रे वाले गहरे वाले जिनमें मैं पिटूनिया लगाती हूँ, इनमें से भी आपको दिख रहा होगा मैंने मिट्टी सब में से निकाली हुई है और अब इनको धूप लगने दे रही हूँ, और फिर मैं दिवाली के बाद इन सब में मिट्टी डालूँगी और दोबारा से लगाऊँगी। ये देखो लियो कैसे इन्जॉय कर रहा है क्योंकि मौसम बारिश का नहीं है ना, तो ये भी इन्जॉय कर रहा है बैठ के। और जितनी देर गार्डन में रहो ये बस जिस फ्लोर पे आप काम करो वहीं आपके पास बैठा रहता है। इसको भी पौधों से बहुत लगाव है। वडेलिया के ये फ्लावर्स थे, ये पीकॉक फ्लावर्स, इन पे मैंने वीडियो कल परसों बनाया है और बड़ी जल्दी फैलते हैं देखिए। और ये है अपराजिता, अपराजिता भी बहुत ज़्यादा फैलती है। इसकी क्या है ये देखिए, अब मैं इसकी फलियाँ हटा रही हूँ, ये फलियाँ बीज बनने लग जाएंगे फलियों में फिर फ्लावर्स आने कम हो जाते हैं। तो जितनी भी फलियाँ दिखें स्पेंट फ्लावर्स दिखें
ये एक दो दिन में आप इनके हटाते रहें, खराब पीले हुए हुए पत्ते हैं वो सब मैं इन प्लांट्स के हटाती रहती हूँ। आज देखिए ये भी कर लेते हैं थोड़ा सा इसका। अब ये काम इतना ज़्यादा है कि कुछ पौधों का काम एक दिन हो जाता है, कुछ का दूसरे दिन, कुछ का तीसरे दिन, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा काम करके मेरा गार्डनिंग का चलता रहता है। तो अब मैंने आजकल सोचा है कि जो भी गार्डनिंग का काम करूँ वो आपको मैं दिखाती रहूँ, ताकि आपको भी लगे कि आपके यहाँ भी जैसे अपराजिता है तो आप भी उसकी पीली पत्तियाँ और ये जो फलियाँ आई हुई हैं अभी हमें सीड्स नहीं चाहिए, इन फलियों को हटा दें, ताकि ये देखिए फलियाँ और पीली पत्तियाँ, ताकि हमारा पौधा और अच्छी तरह से ग्रो करे। ये देखिए आज मैंने इनमें कोई खाद वाद नहीं दिया है, बस अब पानी दूंगी इसमें थोड़ी देर बाद। मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है, क्लाउडी सा वेदर है, धूप बहुत ज़्यादा खिली हुई, मतलब ऐसी धूप नहीं है। तो ये जो मेरा बोगेनविलिया है, ये वाला जो है, इसकी पत्तियाँ भी छोटी हो गई हैं और फूल भी कम आ रहे हैं, ग्रोथ भी कम है, पानी भी इसमें रोज ही कम हो जाता है। तो ये बोगेनविलिया जो है ये मेरा रूट बाउंड हो गया है। देखिए मैं आपको नीचे से इसकी ये निकली हुई जड़ें दिखाती हूँ, जो ये देखिए ये इसके बॉटम होल में से जड़ें निकली हुई हैं बाहर। ये देखिए इसका मतलब है कि ये रूट बाउंड हो चुका हुआ है बुरी तरह से। अब इसकी इसको निकाल के एक दिन रूट प्रूनिंग करके दोबारा लगाऊंगी। पत्तियाँ का साइज़ भी छोटा हो गया, फ्लावर्स भी आने कम हो गए, और जब भी देखो मिट्टी इसकी सूखी रहती है। तो अब मैं इसकी एक दिन रिपोर्टिंग करूँगी, और क्लीनिंग गमलों की मैं करती रहती हूँ। ये देखिए सूखी पत्तियाँ वगैरह जो भी है उनकी क्लीनिंग मैं जिस गमले के पास खड़ी होती हूँ, ये काम तो मुझे करना ही है। ये गिलाडिया देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं गिलाडिया के फ्लावर्स, मौसम क्लाउडी है तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और एक और छोटी सी कटिंग है, इसको भी यहाँ लगा देते हैं। ये छिपकली बेल देखिए लगी हुई है वाइट गमले में, ये देखिए ये मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर चढ़ जाए, पाम के ऊपर ऐसे इसको ऊपर चढ़ा देंगे छिपकली बेल को। ये भी एक तरह का फाइकस ही होता है छिपकली बेल जो होती है, ये बस धीरे धीरे साथ में इसके बढ़ जाएगी। और ये इसमें फ्लावर्स आने लग गए हैं पीले वाले टिकोमा में, ये सीज़न है इसमें फ्लावर्स आने का। अगर ज़मीन पे आपका कोई पौधा होगा तो बहुत फ्लावर्स आते हैं इसमें, और अभी भी आते हैं, आज इतने ही हैं जितने मैं आपको दिखा रही हूँ। किसी किसी दिन बहुत फ्लावर्स होते हैं इसमें, बस मैं ऊपर दोपहर के टाइम आ ही नहीं पाती। देखिए पॉलिनेटर घूम रहा है मधुमक्खी इस पर। तो ऐसे पीले रंग के जो फ्लावर्स होते हैं आपके वेजिटेबल गार्डन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ओके फ्रेंड्स बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय। लियो को देखिए कितनी बदमाशी कर रहा है, ये देखिए कितना बदमाश हो गया है ये कोई चीज़ लेने के